हरलाखी प्रखंड के नए बीडीओ कृष्ण मुरारी ने किया योगदान। हरलाखी प्रखंड के नए प्रखंड विकास पदाधिकारी कृष्ण मुरारी ने मंगलवार की दोपहर योगदान किया। सीओ सौरभ कुमार ने नए बीडीओ को योगदान कराया। इस दौरान नए बीडीओ ने कहा कि सरकार की हर योजना को सही लाभुक तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उनका प्रयास रहेगा कि ग्रामीणों को बेवजह प्रखंड कार्यालय के चक्कर न काटना पड़े। इसको लेकर वे जल्द ही प्रखंड के कर्मचारी अधिकारी संघ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। मौके पर बीएओ नौशाद अहमद, आवास पर्यवेक्षक विद्यानंद प्रसाद, लेखापाल मिथिलेश कुमार कामत, कार्यपालक सहायक प्रवीर कुमार, जीविका प्रबंधक दिलीप कुमार, प्रखंड प्रधान लिपिक प्रमोद कुमार सिंह, नाजिर अरुण कुमार झा, बीसी पिंटू सिंह, जनसेवक सुनील कुमार पांडे, विनोद महतो, सतनाम दास सहित कई कर्मचारी मौजूद थे। हरलाखी के नए प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में योगदान किए हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी हरलाखी के लिए? सबसे पहले यहाँ सभी लोग का स्वागत है। हमारी प्राथमिकता में तो बिहार सरकार की जितनी ग्रामीण विकास योजनाएँ हैं वो समय और गुणवत्तापूर्ण हो। दूसरा शिक्षा पर भी मेरा विशेष ध्यान रहता है और सभी लोगों का जो सेवाएं हैं वो समय पर मिले। कहाँ से हरलाखी प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में योगदान किया? हमारा से है आरा जिला विकास प्राधिकरण BRDM है, सहायक JPO के पद पर थे और यहाँ से योगदान दिए हैं। सर, आगे हरलाखी को आप किस रूप में देख रहे हैं? हरलाखी प्रखंड के विकास हो या कई क्षेत्रों में काम हो, आप उसको किस धर्म से निभाएंगे? उस प्रखंड को ग्रामीण विकास योजना, जैसे आपको आवास योजना हो गया, नल जल योजना हो गया, ये सब बिहार में टॉप पर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में टॉप पर रहे हैं, तो मेरा प्राथमिकता में भी इस पर कार्य करेंगे और आगे होना चाहिए। नाम क्या लिखते हैं सर? कृष्ण मुरारी।